हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, एक यूट्यूब वीडियो की क्वालिटी में जितना इंपॉर्टेंट रोल आपके कंटेंट का होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट रोल आपकी ऑडियो का भी होता है। उसमें आप जो म्यूज़िक यूज़ करते हैं उसका होता है। आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो के अंदर देखा होगा कि वो जब भी कुछ बोलते हैं तो उनके पीछे म्यूज़िक चलता रहता है, या उनकी वीडियो के अंदर भी म्यूज़िक होता है और वो म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है, उससे उनकी वीडियो और भी अच्छी लगती है। इसी तरह आपने काफ़ी सारी ऐसी शॉर्ट वीडियो भी देखी होंगी जिसमें वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ म्यूज़िक लगा देते हैं, म्यूज़िक डाल देते हैं उस वीडियो के अंदर, और उससे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है वीडियो। तो आपके मन में भी आता होगा कि मैं भी इस तरीके से अपनी वीडियो में म्यूज़िक लगा सकूं और मुझे कोई कॉपीराइट भी ना आए, मतलब कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक मैं यूज़ कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं यूट्यूब लाइब्रेरी के फ्री म्यूज़िक को यूज़ करना आपको सिखाने वाला हूँ, जिससे आपकी वीडियो के अंदर कोई कॉपीराइट भी नहीं आएगा। और साथ में मैं आपको यूट्यूब लाइब्रेरी के 10 सबसे अच्छे जो म्यूज़िक हैं उसके कॉपीराइट फ्री, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। इसकी स्क्रीन बड़ी है इसलिए इस पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप अपने मोबाइल फोन से भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको youtube.com पे आ जाना है और अपने चैनल के अंदर आपको लॉगिन कर लेना है। मैंने चैनल के अंदर लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद आपको टॉप राइट कॉर्नर में अपने चैनल का जो आइकन दिखाई देगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन मिलेगा। सेकेंड नंबर पे ही आपको इस सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपके YouTube चैनल का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे हम इसे पकड़ के और यहाँ पे नीचे आपको ऑडियो लाइब्रेरी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको सिंपल इस ऑडियो लाइब्रेरी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपकी जो यूट्यूब की लाइब्रेरी है ऑडियो की, वो सारी यहाँ पे खुल जाएगी। यहाँ पे जो म्यूजिक है आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे म्यूजिक आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे म्यूजिक हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये 3 लाइंस दिखाई देंगे, आपको इन पे क्लिक करना है और इसमें आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं, आप चाहें तो ट्रैक टाइटल डाल के सर्च कर सकते हैं, जेनरी मूड के अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मूड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूड के अंदर कितने सारे ऑप्शन है, एग्री, ब्राइट, काम, डार्क, ड्रामेटिक, फनी, हैप्पी, इंस्पायरेशनल, रोमांटिक, सैड। तो आप मूड के अकॉर्डिंग अपना म्यूजिक सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आर्टिस्ट नेम के अकॉर्डिंग, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हैं, और एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर और एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके बारे में मैं अभी बताऊंगा। जैसे आप इसमें से पहले एक मैं बता देता हूँ, जैसे मूड पे सिलेक्ट किया आपने, ठीक है, और एंग्री पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपके सारे ये एंग्री वाले आ गए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से म्यूजिक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, उसके बाद 3 लाइंस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे दोबारा से। इसके बाद आपको यहाँ पे ये 2 ऑप्शन दिखाई देंगे लास्ट में, एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर। अगर आप इस म्यूजिक को यूज करेंगे इसमें, मतलब आपको क्रेडिट देने की कोई जरूरत नहीं होती, और एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड में आपको क्रेडिट देना पड़ता है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड वाले लेंगे, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सारे जो म्यूजिक है वो यहाँ पे आपके सामने आ गया है खुल के, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनमें आपको क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर आया है। उसके बाद आपको यहाँ से जो भी अच्छा लगता है म्यूजिक, वो आप यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला है हेयर इट कम्स वाला, ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो इन्हें सुन भी सकते हैं, जैसे मैं आपको प्ले भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये आपके जो मोबाइल है या आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा और इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं फिर, ठीक है, कॉपीराइट नहीं आएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है साउंड इफेक्ट्स का। आप इस साउंड इफेक्ट्स पे क्लिक करके
यहाँ पे आप साउंड इफेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं अगर आप यूज करना चाहें। यहाँ पे आप इन्हें प्ले करके देख सकते हैं पहले, और यहाँ से सिंपल इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी साउंड इफेक्ट्स के अंदर भी आपको कैटेगरी मिल जाएंगी। यहाँ थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी कैटेगरी आपके सामने है, अलार्म, एनिमल, कार्टून, जिस तरीके के भी आपको साउंड इफेक्ट्स चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको टॉप 10 अब अपने बता देता हूँ। म्यूजिक पे आ जाएंगे हम वापस। अब मैं आपको टॉप 10 बताता हूँ जो जो सबसे अच्छे टॉप 10 म्यूजिक हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा आपको। बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यूज करते हैं और उनसे उनकी वीडियो वायरल भी होती है क्योंकि सुनने में भी अच्छा लगता है, व्यूज, सब्सक्राइबर भी इंगेज्ड होते हैं उससे, जो आपको ऑडियंस है वो उससे इंगेज्ड होती है और हो सकता है वो आपको सब्सक्राइब भी कर दे तो आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे इससे। तो यहाँ पे मैंने स्टे ऐड कर रखे हैं वो, ठीक है, स्टार लगा रखा है उनके ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये 10 जो मैंने म्यूजिक यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं, आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक एक को सुन भी सकते हैं, मैं आपको सुना के दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद ये वाला इस तरीके से है, उसके बाद ये थर्ड नंबर पे है, कुछ इस तरीके से है, उसके बाद ये फोर्थ पे है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सारे चाहे तो इन्हें प्ले करके आप देख सकते हैं, और उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं सबको, और अपने जो आपका फोन है या फिर आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर ये डाउनलोड हो जाएंगे और उसके बाद आप उन्हें यूज कर सकते हैं जहां आप चाहें। तो ये सारे म्यूजिक्स थे जो आप यूज कर सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर। कॉपीराइट फ्री हैं ये, ठीक है, ये यूट्यूब की लाइब्रेरी से ही है तो इसलिए, और इसमें आपको कोई एट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको कोई क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये अच्छे से सीख गए होंगे कि आप किस तरीके से आप YouTube लाइब्रेरी के म्यूज़िक को अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं और उससे आप अपने व्यूज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने जो सब्सक्राइबर हैं, अपने जो चैनल को आप ग्रो कर सकते हैं। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आपके माइंड में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।